विख्यात बाल साहित्य राजनीति के बाद अब थोड़ी शायरी की गुफ्तगू होगी यहाँ पे। आलोक श्रीवास्तव का नाम आप लोग जो बैठे हुए हैं और छूता रहा नहीं है, इसी मध्य प्रदेश, हम सबके मध्य प्रदेश की जमीन से आने वाले आलोक श्रीवास्तव, जिस मध्य प्रदेश ने हमको जानिशार अख्तर, बशीर बद्र साहब, राहत इंदौरी साहब दिया, और समकालीन गजल में आलोक श्रीवास्तव ने जो मुकाम अपने लिए बनाया है, उनके नाम के साथ शायरी जिस तरह से जुड़ी हुई है, उसके तारुफ करने की जरूरत है नहीं। अगर मैं पढ़ने लगूं तो फहरिस्त कम पड़ जाएगी। आलोक श्रीवास्तव मेरे अग्रज हैं, मुझे इनसे शुरू से ही अनुज का प्यार मिलता रहा। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि मेरे परिचय में ज्यादा लंबा कुछ बोलना हो, मैं बोर हो जाऊंगा, लेकिन बस एक मिनट में मैं भैया बुलाता हूं उनको। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा फॉर्मल ओकेजन है, लेकिन इनका स्नेह इतना है कि मैं इस पूरे वार्तालाप में आलोक भैया को आलोक भैया ही बुलाते रहूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हमारे मध्य प्रदेश की जमीन से ही व्यक्ति अगर मीठा हो तो मधुमक्खियां मंडराने लगती हैं उसके ऊपर। तो शाहजहांपुर में जन्म हुआ है और विदिशा के हैं। अपने पूरे जीवन काल में 15 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने पत्रकारिता को दिया है, जो कि आज तक इंडिया टीवी और दूरदर्शन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे है। शायरी में आलोक श्रीवास्तव का क्या नाम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस इससे ही जाहिर हो जाता है कि इनकी लिखी गजलों और नज्मों को स्वयं जगजीत सिंह साहब ने आवाज दी है, उसके अलावा सुभा मुद्गल जी, पंकज उदास, और अभी हाल फिलहाल में जो युवाओं के चहेते गायक है शान, उन्होंने गाया है। हिंदी साहित्य में खास तौर पर जब आमीन, आलोक भैया की गजलों की किताब आमीन जब आई थी, 2006 में आई थी भैया, जहां तक मुझे याद है, आमीन 2006 में आने के बाद, इस किताब के आने के बाद जो शायरी की दुनिया में, प्रिंट दुनिया में जो हलचल मची थी, ठीक 2 से 3 साल बाद 2009 में उसी किताब पे आलोक भैया को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का सम्मान मिला था। उसके बाद से सम्मानों का सिलसिला लगातार चलता रहा। रसिया रूस पुश्किन अवार्ड से भी सम्मानित किए गए आलोक भैया अपनी गजलों के लिए। और जैसा कि होता है जब आपकी शायरी लोकप्रियता के चरम पे पहुंचने लगती है तो बॉलीवुड से आवाजें आने लगती है, पुकार आने लगती है, उसके बाद से फिल्मों के लिरिक्स, जिसमें कि वोडका डायरी और एआर रहमान की जो थी अटकन, उसके लिए था कुछ गीत, कुछ आलोक भैया के कुछ लिखे हुए शब्द, मैं भारत का चेहरा हूँ, खुद अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी आवाज दी थी, जो कि काफी चर्चित हुआ था। ये संक्षिप्त परिचय भैया के आदेश की गुस्ताखी बावजूद भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वार्तालाप का सिलसिला बस यहीं से शुरू करूंगा। आप सब जानते हैं पत्रकारिता की जमीन कितनी खुरदरी सी है, उसमें एक शायरी जो कि नाजुक सी भरी हुई जमीन है, अचानक कैसे पत्रकारिता और ये शायरी का मेल आलोक जी? सबसे पहले तो लिट चौक का बहुत शुक्रिया। मैं कतार में था, बड़े लंबी नंबर लग गया, तो धरा का शुक्रिया, निखिल का शुक्रिया, और शुक्रिया आप सबका, और खासतौर से अपने अनुज गौतम राज ऋषि का शुक्रिया। जब आपसे वार्ता करने वाला कोई ऐसा प्रिय हो जो आपका अनुज भी हो और आपसे अधिक प्रतिभावान लेखक कवि हो आलोक भाई, तो हम जैसे लोगों की बड़ी चांदी हो जाती है। हमने अपनी प्रशंसा के लिए जो जो इन्हें लिख के दिया वो इन्होंने सब पढ़ दिया। तो एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले एक बहुत प्रतिभावान गद्यकार के, बहुत एक मशहूर शायर का शेर है कि हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो मैं इस चर्चा को बहुत औपचारिक चर्चा नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि बड़ी अनौपचारिक तौर से हो, और चूंकि दो शायर बैठे हुए हैं, दो गजलकार बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को कुछ सुनने को भी मिले। वैसे भी अभी चिराग भाई होकर गए हैं यहां से, तो चिराग के बाद तो आलोक को आना ही था। तो
आलोक जो है वो सिर्फ बातों का ना हो, वो रचना का भी हो, तो आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। लेकिन पिछले दिनों एक बड़ी सुंदर घटना हुई। एक क्लिप मुझ तक आई व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें एक बड़ा ही डेकोरेटिव आर्मी ऑफिसर बैठा हुआ अपने आर्मी के अनुभव के अनुसार एक गजल कह रहा था। तो मैंने वो क्लिप देखी और वो क्लिप मेरे जानने वाले एक प्रिय गजलकार की थी। मैंने उससे अनुमति लिए बगैर उस क्लिप को ट्वीट कर दिया और देखते ही देखते वो ट्वीट वायरल हो गई, वो क्लिप वायरल हो गई। और आज देखिए कैसा देवादिदेव महादेव का बनाया हुआ संजोग है कि ये चंद महीनों पुरानी बात है और आज वही गजलकार जो मेरे ट्विटर से जिसकी क्लिप वायरल हुई थी वो बैठ के इंदौर में मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप वो गजल सुना दें और उसके बाद फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और आप लोग जरा जोरदार तालियों के साथ कर्नल गौतम राज ऋषि का स्वागत करें। और ये बिल्कुल ना माने कि आप एक घंटा जो है वो बातों में बिताएंगे, आप ये समझिए कि आपका जितना भी श्रम अभी लगा है लोगों की बातें सुनने में, अब वो ये एक घंटा आपका कविता के लिए है, शायरी के लिए है। आजकल गूगल अंकल बहुत एक्टिव है, मुझे मेरे बारे में आपको कुछ जानना होगा तो वो गूगल बता देगा, या कर्नल गौतम राज ऋषि के बारे में जानना होगा तो गूगल बता देगा। तो हम लोगों के बारे में जानने के लिए सिर्फ ये है। और वैसे भी किसी भी फनकार को आपको सुनना हो तो उसका गायन उसका परिचय होता है, किसी संगीतकार का परिचय उसका संगीत होता है, ऐसे ही दो रचनाकारों का जो परिचय है वो उनकी कविताएं होती हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से कर्नल गौतम राज ऋषि से आग्रह करता हूं कि पहले वो अपनी गजल सुनाए फिर बाद में बात होगी। आप लोग जरा ठंडा आदेश मत दीजिए, पीछे तक मुझे हाथ देखना चाहिए ऊपर, ये आप इसको बिल्कुल ये ना समझे कि बड़ा बोझिल सा रचना सत्र होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग इतने विद्वान है ही नहीं। भैया हम आपके बारे में बात, ये आलोकनामा है, सत्र का नाम आलोकनामा है, भैया का हुक्म है। वसीम बरेली साहब का एक शेर याद आ रहा है भैया की बात पे कि अपनी मंजिल पे पहुंचना और खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, बड़ा होके बड़े रहना भी। उस शेर को खारिज कर दे आलोक भैया, बड़े होके बड़ा बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं, कितने सहजता से अपने अनुज को ये सत्र उनके नाम पे है और हुक्म दिया है कि तुम गजल सुनाओ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिनकी गजलों को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनकी गजलों की जमीन पे मैंने सीखा, वो कह रहे हैं फरमाइश दे रहे हैं, मैं फटाफट जो जिस गजल की फरमाइश आई है, ये गजल 2009 में कही थी जब मैं खुद एक इनकाउंटर के दौरान गोली का शिकार हुआ था और मैं कश्मीर में मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती था। कश्मीर का मंजर है कि वाह, चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से, चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से, गोलियां चलती रही इस पार पार से उस पार से, वाह गोलियां चलती रही। इतना ठंडा रिस्पांस है, सच में लग नहीं रहा मैं इंदौर में बैठा हूँ। ये कश्मीर सीरियसली एक एक योद्धा जो सीमा पर है वो योद्धा हमारे लिए क्या सोच रहा है, हमारी रक्षा सुरक्षा करते हुए, उसकी अभिव्यक्ति है ये गजल वाकई। चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से, गोलियां चलती रही इस पार से, पार से, पार से, जिस्म तो छलनी गिरा धरती पे लेकिन सज उठी, जिस्म तो छलनी गिरा धरती पे लेकिन सज उठी, खून से लथपथ हरी वर्दी ने श्रृंगार से। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये बात, खून से लथपथ हरी वर्दी ने श्रृंगार से, मिट गया एक नौजवान मिट गया वतन के वास्ते, मिट गया मिट गया मिट गया एक नौजवान कल फिर वतन के वास्ते, चीख तक उठी नहीं एक भी किसी अखबार, वाह 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 वाह, चीख चीख तक उठी नहीं वाह वाह वाह, एक भी किसी अखबार से, कितने दिन बीते कि हूँ मुस्तैद सरहद पर इधर। मेरी माँ, हम बिहार का हूँ, वहाँ छठ का कार्यक्रम होता है, 19 साल तक मैं छठ में जा नहीं पाया और माँ का प्रण था कि जब मॉनिटर नहीं आएगा मैं छठ का उपवास तोड़ूंगी नहीं। उस संदर्भ में ये शेर था कि कितने दिन बीते कि हूँ मुस्तैद सरहद पर इधर, वाह बात जो है उधर माँ पिछले ही त्योहार, हाय 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 वाह वाह, बात जो है उधर माँ वाह पिछले ही त्योहार, वाह वाह वाह। मैं अनुमति चाहूंगा, मैं आलोक भैया को सुनने के लिए आप सब बैठे हैं,
गजल फरीले में तीन शेर ये थे आलोक भैया को। लेकिन बताइए मेरा सुझाव, हम लौटते हैं वापस आलोक नामा पे। भैया का बड़प्पन था कि ये गजल का हुक्म दिया उन्होंने मुझे। तो भैया क्योंकि शुरुआती दौर से मैं गजल का छात्र हूँ और आपको पढ़ता आया हूँ, आपका जॉनर इतना विस्तृत है, और इनफैक्ट मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि आमीन जब आई, भैया की किताब जब आई, तो नामवर सिंह साहब ने जब दुष्यंत हुए और हिंदी गजल पे ठप्पा लग गया दुष्यंत, तो नामवर सिंह बड़े आलोचक हुए, जानने वाले जानते हैं, बहुत बड़े अध्येता हुए हिंदी साहित्य के, उनका था कि दुष्यंत की परंपरा का शायर, वही कमलेश्वर कहते हैं रिश्तों का शायर, इतना बड़ा जॉनर विस्तृत है। और एक गजल खासतौर पे दो गजल जो भैया की अम्मा और बाबूजी को लिखी हुई है, वो तो खैर जब पढ़ता हूँ और भैया के मुंह से जब भी सुनता हूँ तो मेरी आंखें भीग आती है। अभी रेखता में रेखता का भी जश्न रेखता हुआ था, वो वीडियो में देख रहा था, 25,000 से 30,000 तो सामने बैठे थे और बड़े स्क्रीन पे बाहर 2,500-3,000 युवाओं की, और एक एक लफ्ज पे बार बार। तो भैया ने कहा है कि औपचारिक वार्ता होगी नहीं, इससे बेहतर क्या उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी गजल सुनाऊं। मुझे पता है भैया हर जगह आपको फरमाइश मिलती है अम्मा और बाबूजी वाले गजल की, तो एक तो पहले आपसे मैं ये सुनना चाहूंगा कि ये विरोधाभास है, जहां नामवर साहब आपको दुष्यंत की परंपरा का शायर कहते हैं, वही कमलेश्वर जैसा नाम आपको रिश्तों का शायर बताते हैं। आपके जॉनर मैंने देखा है राजनीति, सामाजिक, इश्क मोहब्बत पे तो है ही, और पारिवारिक रिश्ते बहुत उभर के आए, कुछ इस पे तंसर, फिर हम वो दोनों गजलें सुनना चाहेंगे। मैं अपने ही प्रदेश में रहते हुए बताता हूं कि जब हम लिखना शुरू कर रहे थे, साल 90 का शुरुआती दशक था, और सुयोग से ये साल मेरे लिए वैसे भी बहुत विशेष है, क्योंकि आज से 30 बरस पहले मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था, जिसका संगीत विशाल भारद्वाज जी ने दिया था, 1993 की बात। और उसी साल पहली बार मैं किसी साहित्यिक पत्रिका में बहुत ही ठाट-बाट से छपा था, जिसे ठाट-बाट से छपना कहते हैं। तो ये वर्ष मेरे लिए वैसे भी बहुत विशेष है। अब रही बात विधा की, तो जिस समय हम शुरू कर रहे थे लिखना, 1993 की बात है ये, और अपने गुरु तुल्य डॉक्टर बशीर बद्र साहब के संपर्क में आए, और अपने उस्ताद गोविंद आर्य निषाद साहब, तो उस समय भोपाल में और विदिशा, ये दो शहर जहां हम रहते थे, वहां प्रगतिशील कविता का बहुत बड़ा बोलवाला था, और जनवादी कविता, प्रगतिशील कविता, और एक पूरा मूवमेंट चला हुआ था जिसमें राजेश जी भी थे, राजेश जोशी जी भी थे, उधर से बहुत सारे ऐसे नाम थे जो नई कविता में और जनवादी कविता में बड़े स्टार पोएट्स कहे जा रहे थे। ठीक उस समय गजल कहना, तो जो मेरे समकालीन थे विदिशा में, भोपाल में, यहाँ इंदौर में भी कई मेरे मित्र हैं जो जन कविता के और प्रगतिशील कविता के बड़े नाम हैं, तो वो सब कहते थे यार कहाँ गजल वजल में तुम हाथ आजमाई कर रहे हो, तुमको कविता में आना चाहिए, मुक्त छंद कविता में आना चाहिए। तो मुझे लगता था कि नहीं, जो चीज आपके अंतर्मन से, और जाहिर सी बात है कि दुष्यंत की परंपरा तो आ ही रही थी, तो जब रिश्तों पर कहना शुरू किया, तो कई मेरे समकालीन मित्रों ने जो नई कविता के थे और जन कविता के थे, उन्होंने बड़े ताने दिए कि यार बाजार में, समाज में इतनी विसंगतियां हैं, इतना सब कुछ गड़बड़ है, और तुम रिश्तों की बात कर रहे हो। तो मैंने ये कहा कि देखिए, बड़ा स्वाभाविक सा एक संस्कार है, एक बड़े शायर का शेर है कि जबाने तिफल से, बच्चे की जबान से, जबाने तिफल से खुलते हैं खानदान के राज, जबाने तिफल से खुलते हैं खानदान के राज, अदब शऊर सलीके घरों से मिलते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं जो घर के परिवार के जो मसाइल हैं, उनकी जो बातें हैं, अगर मैं रिश्तों को तुरपाई करना शुरू करूं कि जो दरक रहे हैं, और जो कल्चर आपको आपके घर से मिलना है, उस कल्चर पे मैं बात करूं, तो आज अगर कोई उससे प्रेरित होता है, मुतासिर होता है, इंस्पायर होता है, तो कल वो समाज में जाके वो काम करेगा, वो व्यवहार करेगा जो उसे परिवार से मिला।
तो इसलिए मैंने रिश्तों पर लिखना शुरू किया और उस समय शायद हिंदी गजल में रिश्तों पर उतना कम उस मेयार पे या उस तरह से नहीं लिखा जा रहा था। तो एक राह कठिन थी, लेकिन वो मेरा ही शेर है जो जगजीत जी ने गाई है गजल, कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो बस ऐसे शुरुआत हुई। और मैंने इसमें मैं एक चीज जरूर एड ऑन करूंगा कि आप दो चीजों से बहुत सीखते हैं। एक तो अपने घर से तो आप सीखते ही हैं, माता पिता से आप सीखते हैं, घर के कल्चर से सीखते हैं। आप जब भी देखिएगा कि कोई आपसे अगर कोई दुर्व्यवहार करता है या आपसे कोई बहुत तहजीब से तमीज से बात करता है, तो दोनों तरफ एक ही जुमला आता है सुनने के लिए, यार किन लोगों में उठे बैठे हो। अगर कोई आपसे दुर्व्यवहार करे तो भी आप यही कहते हैं, यार किन लोगों में उठे बैठे हो। और कोई आपसे अगर बड़े प्यार से, संस्कार से, बड़ी तहजीब से बात करे तो अंदाज बदल जाता है, लेकिन सवाल वही होता है, यार किन लोगों में उठे बैठे हो, क्या खुशबू आती है तुम्हारे पास। तो आपके आप अपने आप से कल्चर की खुशबू आती है। और मैंने तो एक मतलब भी कहा था इस पर कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर उस समय कम लिखा जा रहा था तो मैंने लिखा, लेकिन साथ साथ मैंने अपने क्लासिक्स को भी बहुत एडमायर किया। मेरी बहुत सारी गजलें शुरुआत के दिनों में, अच्छा एक नए बहुत सारे लोग बैठे हैं तो अभी मैं एक सीरीज कर रहा था जो 20-22 एपिसोड्स की सीरीज थी, जिसमें हमने अपने लेजेंडरी जितने पोएट्स हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, हसन कमाल साहब हैं, हमारे अशोक जी हैं, अशोक चक्रधर साहब, इनकी एक इंटरव्यू सीरीज की थी। तो मुझे बहुत सारे शायरों ने, बड़े शायरों ने बताया, वो सीरीज में सीरीज का हिस्सा है, कि जब उन्होंने लिखने की शुरुआत की तो उन्होंने फिल्मी धुनों पर लिखना शुरू किया। उससे उनको बहर की, उससे उनको लय की बड़ी नॉलेज रहती थी। तो ऐसे ही उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं आया था, लेकिन मैंने एक गीत सुना था उस वक्त, मुझे याद है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए। तो उस समय जब पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा, यार ये तो गालिब की गजल है, इसको गुलजार साहब ने कहां से कैसे लिया। अब वो बाल्यपन का एक प्रश्न था, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि उर्दू में एक बड़ी बड़ी ही मकबूल और बड़ी लोकप्रिय विधा है जिसे खराज अकीदत कहते हैं। हिंदी में आप कहेंगे अपने श्रद्धा पूर्वक अपने क्लासिक्स को याद करना, कि आप एक मिसरा उनका लेते हैं और बाकी फिर आप अपनी पंक्तियां कहते हैं जो गुलजार साहब ने किया, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। तो मैंने सोचा कि फिल्मी धुनों पर तो ठीक है, उस समय तो इतना पता नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा क्यों ना ये जो बड़े बड़े हमारे पोएट्स हैं, हजरत अमीर खुसरो, कबीर, गालिब, तो मैंने इनके मिसरों पर गजल कहना शुरू की। ये मेरी बड़ी शुरुआती दौर की गजल थी। अगर आप इजाजत दें तो एक गजल आपने हालांकि फिल्मों में भी सुनी है, वो ये तो इधर मैं इधर पढ़ देख के सुनाऊं क्या, क्योंकि तालियां सिर्फ इधर से बजी है। तो आप जागृत रहिएगा, मैंने आपसे वादा किया कि हम दोनों आपको बिल्कुल बोर नहीं करेंगे। तो एक गजल है जो उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने गाई है, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं भी अच्छा पढ़ता हूँ तो मुझसे भी सुन लीजिए। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये हजरत अमीर खुसरो का मिसरा है, जिन्होंने फरमाया था कि जिहाले मिस्कीन मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, के ताबे हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियां। तो इसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है,
दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतिया। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतिया। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, सारा इश्क इनको हुआ है। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और मीरा का दर्शन और ये पंक्तियां कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनो कि तुमने देखा है पीको आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनो कि तुमने देखा है पीको आते। न काग बोले न मोर नाचे, न कुकी कोयल न चटकी कलिया। तो ये शुरुआती दौर की गजल थी। इसके बाद कबीर हाथ लगे तो कबीर को पढ़ा और कबीर ने कहा था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो अमन ये गजल शायद तुमने, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को। मुझे लगा कि अगर कबीर हमारी तरह बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे होते तो वो क्या कहते। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है उतर इंदौर कविता सुनना जानता है इसलिए मैं ये सुना रहा हूं। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बरछी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है छुरी बरछी कटारी क्या। और इसी गजल को कहते कहते अपने मरहूम वालिद अपने स्वर्गवासी पिता याद आ गए। तो ये शेर सुनिए, तुम्हारे अज्म की खुशबू, अज्म कहते हैं श्रेष्ठता को, तुम्हारे अज्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, तुम्हारे अज्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, अन्हा ये खानदानी है उतर जाए खुमारी क्या। अन्हा ये खानदानी है उतर जाए खुमारी क्या। और यहाँ जितने मेरे लिखने वाले और नौजवान दोस्त बैठे हैं उन सब की तरफ से ये शेर कि हमन कबीरा की जूती है। हम सब क्या है, हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या। तो ये शुरुआती दौर की गजलें थीं जिन्होंने मुझे बहुत स्वाद और बहुत लोकप्रियता दी। और गजल के साथ ये हुआ कि गजल जैसी मैंने कही वैसी ही वो एल्बम में चली गई या वैसी ही वो फिल्म में चली गई, तो मुझे उसे रीराइट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे खास तौर पे इन दो गजलों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग भी हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं पढ़ते हैं, गजल एक विधा के तौर पे इन पत्रिकाओं में हमेशा हाशिए की विधा रही है। कहानी छप गई चार पन्नों की, जहाँ कहानी खत्म होती है जगह बची रहती है वहां पे एक छोटी सी गजल छाप देते हैं। अभी भैया जनवादी कविता, प्रगतिशील कविता और जो जिसको हम नई कविता मुखचंद की कविता कहते हैं, वो कविताएं जब पत्रिकाओं में छपती है बकायदा पूरे पन्ने पे, पहली बार मैं हिंदी साहित्य का बहुत गंभीर पाठक हूँ हंस बचपन से, पहली बार मैंने देखा आलोक भैया की इन दो गजलों के साथ दो और गजलें बिल्कुल बकायदा सेंट्रल स्टेज में छपी थी जो हाशिए पर नहीं थी।
और ये बहुत बड़ी बात थी हम गजल के छात्रों के लिए। यहीं से हम बात कर रहे थे और अभी जो आखिरी मिसरा जो पिताजी की याद में, तो जैसे हम रिश्ते वाली बात रह गई थी। दरअसल मैं भी शुरुआत इस सत्र की भैया के अमीर खुसरो वाली जमीन पे लिखी गई गजल से ही करना चाहता था। तो रिश्ते की खूबसूरती को गजल के बंधे बधाए मीटर में बांधना, यकीन मानिए जो बहर और छंद की समझ रखते हैं वो मेरी बात को समझ सकते हैं। उस पूरे रिश्ते की खूबसूरती, उसकी खुशबू को गजल के अनुशासन को पालन करते हुए निकाल के ले आना, वो आलोक श्रीवास्तव ने किया है। और हर जगह भैया के नाम के साथ, भैया की शायरी के साथ वो दोनों गजलें कुछ इस कदर जुड़ चुकी है कि भैया को फरमाइशी में वो दोनों गजलें सुनानी पड़ती। और मैं कायदे से कह सकता हूँ, संवेदनशील जो भी हृदय रखने वाले आप सब यहाँ, दो से तीन शेर तो अम्मा वाले में ऐसे हैं कि आंखें नम ना होए तो मेरा नाम नहीं। तो मैं फरमाइश करूंगा भैया की। कोई इरादा तो नहीं था आप लोगों को भावुक करने का, लेकिन अब मैं इनके हवाले हूं और अगर ये आदेशित कर रहे हैं तो मैं उन कविताओं को पढ़ देता हूं। बात में पहले बता चुका हूं कि जिस वक्त मैं लिख रहा था उस वक्त मुझे इसकी बड़ी रिक्तता लग रही थी। तो वो यूं है कि धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई अम्मा, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा, उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है, उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई, बंटवारा हो गया, बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से आई अम्मा, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी, हम जिस समय में बड़े हुए हैं उस समय में सुबह हमको दो ही चीजें उठाती थी, या तो बाबूजी की आवाज या उनकी चप्पल। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी, सारे घर का अनुशासन थे सारा घर थे बाबूजी, सारे घर का अनुशासन थे सारा घर थे बाबूजी, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इस शेर की संवेदना तक जरूर पहुंचेंगे। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे कभी हथेली की सूजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे कभी हथेली की सूजन,
मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबा। बहुत शुक्रिया। तो जो मैं बात कर रहा था रिश्तों को इतनी आत्मीयता और उसकी गर्माहट को इस कदर खूबसूरती से गजल में लाना, जैसा कि भैया उससे पहले बता रहे थे कि समकालीनों ने कई बार क्या कि यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, राजनीति से विसंगताएं हैं, सामाजिकता है, तुम रिश्तों को चुन रहे हो, वो इसलिए कि हम सब के बीच ये रिश्ता और रिश्ते की बुनियाद, रिश्ते की महत्ता बची रहे। एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, जो समकालीन उर्दू शायरी आप सब जो सुनते हैं उसमें अमूमन जो नाम, जो स्थापित नाम मंच के हैं, इस्लाम धर्म को संबंधित करने वाले, आलोक श्रीवास्तव मैं जब से गजल पढ़ रहा हूँ इकलौता नाम है। मैं यहाँ पे ये बात कोट करना चाहता हूँ और क्षमा प्राप्त साहब की, रघुपति सहाय साहब जैसे शायर को भी अपना नाम फराख रखना पड़ा था, आलोक श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव नाम के साथ वो शायरों की दुनिया में कैसे जमे हुए हैं इतनी खूबसूरती अपने अंदाज से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी रचनात्मकता से और अपने अंदाज से, आप अपने अंदाजे बयां से और आप अपने कहने की जो जो तरीका है, जो लहजा है, वो गालिब भी कह गए हैं उस पर, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और, तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल लगी नहीं कभी कि मैं आलोक श्रीवास्तव घायल, आलोक श्रीवास्तव कातिल, ऐसा कुछ करूं। उसकी वजह यह है कि कविता जो है वो नाम की मोहताज नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कविता सिर्फ एक यात्रा की मोहताज होती है, एक उस भाषा की मोहताज होती है कि वो जब दिल से कही जाए और वो सुनने वाले, वो जो वहां आखिरी पंक्ति में बैठे हुए उधर दूर से ही वीडियो बना रहे हैं, अगर उन तक पहुंच रही है तो वो बहुत बड़ी यात्रा को तय कर रही है। बहुत सारा एक शेर है, अक्सर मार्च अप्रैल में वायरल हो जाता है, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं, और आज तक मुझे आयकर विभाग ने इसकी रॉयल्टी नहीं दी और कहीं मेरा नाम नहीं होता। ठीक है, वो अभी शान भाई ने उसको गाया भी बहुत अच्छे से, लेकिन वो पोयम, वो शेर, जब भी हमको, मैं I was working with a very prominent news channel almost 1.5 decades. तो जब भी हमारा appraisal खराब होता था तो हम अपने बॉस को, जो बड़ा शायराना मिजाज के थे, उनको एक शेर ट्वीट कर देते थे या टेक्स्ट कर देते कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। तो अब नीचे गालिब लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, या मतलब कि भाई असदुल्लाह का गालिब का शेर भेज रहा हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि कविता जो है वो कविता के साथ यात्रा करती है। कविता नाम की कोई अगर मेरी बहन यहाँ बैठी हो तो नाराज ना हो, कविता अपने साथ यात्रा करती है, उसके लिए किसी नाम की जरूरत नहीं है। और मैं जिस तखल्लुस से लिखता हूँ कि भाई आलोक श्रीवास्तव, तो मैं आलोक श्रीवास्तव, मैं अपने उससे मुग्ध हूँ, मैं अपने उससे संतुष्ट हूँ, तो मुझे कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं। दूसरी बात, एक्सेप्टेबिलिटी की जो बात है, उर्दू जो है वो इकलौती ऐसी जबान है जो हम सब बोलते हैं, हिंदी एक ऐसी जबान है जो हम सब बोलते हैं, हिंदुस्तान में जो जबान बोली जाती है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न वो शुद्ध हिंदी है न वो शुद्ध उर्दू है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जबान ही हिंदुस्तानी है, और मैं हिंदुस्तानी जबान का गजलकार हूं, शायर हूं, कवि हूं, अगर आप मानते हैं तो छोटा मोटा हूं, अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा मानते हैं तो वो हूं, ये आपके मानने के ऊपर है कि वो आपको और मुझको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम सब, और मैं तो बल्कि कभी कभी अपने पाकिस्तानी दोस्तों से भी कहता हूं कि तुम जिस जबान में शायरी कर रहे हो पाकिस्तानी है ही नहीं, वो हिंदी है और वो हिंदुस्तानी जबान है। अब ये और बात है कि 47 के बाद तुम अलग हो गए लेकिन ये अब तुम्हारा दुर्भाग्य मेरा नहीं है, लेकिन तुम जबान हमारी ही बोल रहे हो। उर्दू कोई जबान नहीं है, हिंदी कोई जबान नहीं है, हिंदुस्तानी है जो हम सब बोलते हैं, जो आलोक भाई भी बोलते हैं, जिसमें अमन भी गाते हैं, जिसमें हमारा अमन भी गीत लिखता है, ये सब हिंदुस्तानी जबान है। तो इसमें नाम के कोई चक्कर नहीं है। और शमशेर बहादुर सिंह का तो कितना अच्छा शेर है कि वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू,
वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। तो कितनी प्यारी बात कही भैया ने कि नाम की दरकार है नहीं, कविता कविता के साथ यात्रा करती है। और जो भैया ने शेर कोट किया था अपना कि, और वो एक्चुअली में सबने, हम सबने देखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोस्टर पे, एक नारे की तरह वो शेर हर जगह इस्तेमाल होता है। कितने बड़े बड़े नेता लोग अपने भाषण में कोट करते हैं, और भैया के साथ सिर्फ ये एक शेर की बात नहीं है, ऐसे कई शेर नारे की तरह बन गए हैं। तुम देखते हो बस बादलों की उड़ान रहे हो बस बादल, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, ये पंकज दास साहब ने गाई भी है, बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत गाई है गजल। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। भैया से फरमाइश है वो दोनों गजल सुनेंगे, मैं तो बिना फरमाइश के सुना रहा हूँ ये पूरी गजल, पूरी गजल। हाँ, इसके कुछ शेर मैं सुना देता हूँ। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। ये हमारे छोटे भाई अमन यहाँ बैठे हैं, ये उनकी नजर है शेर। ये खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, थोड़ा सा जटिल शेर है लेकिन इंदौर सुन के बता देगा। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, अगर आप बताइए नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किससे इश्क कर रहे हैं। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, बेकार ही लाए हम चाहत को जुबानों तक। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, मैं समझ गया कि यही बैठे हैं सारे इंदौर वाले छठे हुए जितने हैं। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, बेकार ही लाए हम चाहत को जबानों तक। हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त, यह लिखने वाले हर नौजवान दोस्त और हर लिखने वाले की तरफ से, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हम प्यार की खुशबू हैं महकेंगे जमानों तक। थोड़ा सा मैं बातचीत का सिलसिला थोड़ा मोड़ना चाहता हूँ। आलोक श्रीवास्तव निश्चित रूप से इतनी दौर इतनी देर से हम देख रहे हैं और इतने सालों से देख रहे हैं शायरी का स्थापित नाम, और अब कई सारे लिरिक्स इन फिल्मों में आए हैं। और एक छोटा सा वाक्य एक मिनट का सुनाना चाहूँगा भैया, जब मेरे साथ हुआ आपने गौर नहीं किया। मैं भैया के साथ कलकत्ता में 2-3 घंटे तक था और सफर कर रहे थे, भैया की दिलचस्प कहानियां सुन रहे थे मुशायरों की और फिल्मी दुनिया। अचानक से भैया के पास फोन आया और किसी संगीतकार का बड़े शमशान और किसी गाने की बात चली, ये गाना लिखना है ऐसा है। और इस कैब में हम लोग बैठे थे, अचानक से माहौल चेंज हो गया। आलोक भैया अचानक किस कंदरा में चले गए, वो जो कह रहे थे ना बैरोमीटर में सब तक थी। तो मैं वो थोड़ा सा अपनी समझ के लिए, अपनी सिखलाई के लिए जानना चाह रहा हूँ कि ये शायरी जो आपकी है और जो भी लिखने वाले हैं स्वतः स्फूर्त ऊपर से उतर गया, जहाँ पे बात फरमाइश की हो रही उन्होंने आपको एक थीम दिया और अचानक से आप बिल्कुल आपका मोड ऑफ हो गया, आप एक दूसरे अवतार में चले गए। तो ये कितने सहजता से आपके पास आता है, क्या वो ज्यादा आसान है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और वाक्य भी सुनना चाहूंगा ए आर रहमान की वाली बात। हाँ, ये बहुत अच्छा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है होती है कि आपने अपने आप को बनाया कैसे, तराशा कैसे, आपने सीखा किन लोगों से है, आपने सीखा क्या है। मेरे साथ ये फॉर्चुनेट रहा, मेरे साथ ये खुशकिस्मती रही कि मैं कविता में थोड़ा बहुत मेरा आप लोगों की वजह से एक छोटा मोटा परिचय हो गया था। तो जनरली फिल्मों में जो मैं लिखता हूँ या लिख रहा हूँ उसमें अब ये होता है कि जिस रोज हम जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, शान का फोन आया और उन्होंने कहा कि गीत बनना है, तो मैंने मुझे अब बहुत अच्छा ये लगता है कि कविता में, कविता से जो यात्रा फिल्मों की तरफ हुई, इल्म से जो यात्रा फिल्म की तरफ हुई, उसने एक फायदा जरूर करवाया
के अभी भी हम जब लंच कर रहे थे तो दो ट्रैक आए हुए थे, हम सुन रहे थे। तो अब ज्यादातर जो फिल्म मेकर्स हैं या फिल्मकार हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, पहले आप लिख लीजिए फिर हम धुन बनाएंगे। फिल्मों में हो उल्टा रहा है, पहले धुन बनती है और कहा जाता है कि आप जो है उस पर लिरिक्स भर दीजिए। हमारे समय में जहां हमने सुनना शुरू किया, ठीक है, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, कहती आजमी साहब दिल की नाजुक रगे टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना है, कैसी आदमी को सुना दिया और इंदौर ने इतने ठंडे से सुन दिया। अब ये क्या लगता है आपको कि ये पहले मदन मोहन साहब ने कंपोज किया होगा? नेवर एवर। ये पहले उस सीन को लिखा गया होगा, उस सीन को जिया गया होगा, मेरा ऐसा मानना है, या शायद मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मैंने सीखा ऐसे है कि जब भी मुझे कुछ ऐसी कोई धुन आती है तो मैं ये कहता हूं कि आप मुझे सीक्वेंस बता दीजिए, आप मुझे सिचुएशन बता दीजिए, मैं लिख देता हूं, फिर आप कंपोज कीजिए। तो आपको उसकी पोएट्री, जैसे सखी पिया वो मेरी गजल थी, बाद में उसको संदेश शांडली जी ने कंपोज किया, रेखा भारद्वाज जी ने, अहमद राजपूत साहब ने गाया। जैसे ये आप जिसकी बात कर रहे थे इंडो अमेरिकन फिल्म थी पतंग या अटकन चटकन, तो अब उस पर माँ पर एक गीत बनना था जो शिवमणि, जो एआर रहमान साहब के ड्रमर हैं, वो उस फिल्म से डेब्यू कर रहे थे और उन्होंने मेरी कविताएं सब पढ़ रखी थी, मेरी गजलें सब पढ़ रखी थी, स्पेशली उनने अम्मा पढ़ रखी थी और वो बहुत मुतासर हुए। तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि नहीं, ये माँ पर लिखा जाना है गीत, तो पहले आप इसको लिखिए और फिर हम इसको कंपोज करते हैं, फिर इसकी म्यूजिक प्रोडक्शन करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने अपने आप को, मैं ये यहाँ जो नौजवान दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो लोग फिल्म में जाना चाहते हैं, मैं भी गया था 95 में, जब मैं गया था तो बिल्कुल एकदम ऐसे गया था जैसे बिल्कुल कच्चा सिंघाड़ा जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, पानी पानी होता, लेकिन जरा सा उसको बॉइल कर लीजिए तो एक सौंधापन उसके अंदर आ जाता है। तो जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, फिल्म का लेखन एक बहुत अलग लेखन है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको अपनी पोएट्री भी दिखानी सुनानी है और आपको उस म्यूजिक डायरेक्टर को, उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को भी मुतासिर करना है अपने लेखन से। तो अगर आप एक बतौर कवि, शायर, गजलकार और लिटरेचर के नीरज गए, तो नीरज ने शहरयार गए, ऐसे भाई कई बड़े ऐसे नाम हैं। शहरयार तो जब उमराव जान लिख रहे थे तो वो धुन सुनते ही नहीं थे, वो गजलें कहते थे और उसको खयाम साहब जो है वो कंपोज करते थे। तो मेरा कहना बस इतना है अपने नौजवान दोस्तों से कि पहले अपने आप को कवि के तौर पे, किसी भी स्तर पर, मैं कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा लेजेंड नहीं हूँ, मैं भी एक अपने आप को गजल का छात्र ही मानता हूँ, मैंने लिखा भी है कि कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। तो मैं सिर्फ गजल का ही छात्र हूँ, लेकिन आपकी तैयारी अगर आप फिल्म में जाना चाहते हैं तो ऐसी हो कि वो आपसे खुद कहे कि भैया पहले लिख दो फिर हम कंपोज करेंगे। तो मेरे साथ सहयोग की बात है, परसों कैलाश खेर जी के साथ रिकॉर्डिंग है यहाँ से, तो जो गाना मैंने उनके लिए बनाया वो मैंने पहले लिखा है फिर उन्होंने कंपोज किया। शान भाई का जो आपने जिक्र किया, या और जगजीत जी, उन्होंने तो बाकायदा मुझे मीटर दिया था कि यार वो तुमने गजल सुनी है गालिब की जमीन थी वो, कि हुआ क्या है दिले नादा तुझे, हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इस पे कुछ कहो। तो बहुत सारे मतले कहे, बहुत सारे मतले कहे, बेवफा है कि बावफा क्या है। अच्छा, जगजीत जी की एक बड़ी खासियत थी, जब उन्हें कोई चीज बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, तो कहते ये बड़ी फर्जी है। तो जब बहुत सारे मतले हुए, ये चाहता क्या है, दिल चाहता क्या है, बेवफा है कि बावफा क्या है, उसके बारे में सोचना क्या है, अल्टीमेटली जब आया कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, चलिए ये बड़ा फर्जी है। और इसी को उन्होंने कंपोज किया। इसमें एक शेर है जो मैं आप सबकी नजर करता हूं कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, तुम हमारे करीब बैठे हो, तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो,
जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, सब उसी का है आपका क्या है। चांदनी चांदनी आज किस लिए नम है, चांदनी आज किस लिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फैसला। तो और थोड़ा सा एक और सवाल एकेडमिक किस्म का, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? कोई बोर नहीं हो रहा है, मुझे पता चल जाए हम दोनों को कि आप बोर नहीं हो रहे हैं। वैसे अगर आप बोर हो भी रहे होंगे तो आपके लिए बड़ी बुरी खबर है कि अगला सत्र थोड़ा लेट हो जाएगा, आप वो गेस्ट हैं आए नहीं है, तो आपको हम दोनों को ही बर्दाश्त करना होगा। एक थोड़ा सा एकेडमिक इसका सवाल था मेरी जानकारी के लिए, आलोक श्रीवास्तव जैसा शायरी का इतना बड़ा नाम, और जब उसकी किताब छपती है आमीन 2006 में छप के आई, और जहां तक चूंकि मैं कविताएं और शायरी किताबों पर नजर रखता हूँ, मुझे पता है कि बहुत 9वां संस्करण आ चुका था, आखिर बहुत बड़े प्रकाशन से आई थी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं लेखक होने के साथ बड़ा प्रकाशन है कि हम दोनों उसका नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं लेखक के साथ फौजी भी हूँ तो मैं नाम लेने में घबराऊंगा नहीं। राजकमल प्रकाशन से किताब आई, और हम सब जानते हैं, जो भी किताब खरीद के पढ़ने वाले जानते हैं कि आमीन की बिकी, आखिर इसके नए संस्करण के वक्त, 9वें संस्करण के वक्त आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आमीन को पेंगुइन ने पुकारा और आमीन वहां से आ गई नए अवतार। ये सवाल का जो भी जवाब होगा वो कल शायद हेडलाइन बन सकता है। ठीक है, देखिए क्या है, मैं ये इस बात का मेरा अकीदा है कि कोई भी रिश्ता हो उस रिश्ते में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। बहुत मुख्तसर सा जवाब दूंगा इस बात का कि एक समय पर आकर लगभग 15 वर्ष बाद मुझे लगने लगा कि वो पारदर्शिता कहीं समाप्त हो रही है, और ये हिंदी लेखकों का, हम लोगों का, सबका एक सार्वजनिक दुर्भाग्य है कि हम में से बहुत सारे लेखक अक्सर ये शिकायत करते हैं कि प्रकाशक हमारी किताब नहीं बिक रही है, प्रकाशक कहते हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता कि हिंदी की किताबें न बिकती, कविता की, कहानी की, उपन्यास की किताबें न बिकती, तो देश की राजधानी दिल्ली में करोड़ों रुपए का व्यवसाय करने वाला विश्व पुस्तक मेला हर साल न लगता। तो एक समय पे मुझे लगने लगा था कि नहीं, कहीं कोई ऐसा ग्लिच है जिसे शायद मैं अभी इतना बड़ा नाम नहीं हुआ हूं कि मैं ये कह सकूं इनकी आंख में आंख डाल के कि मेरी प्रति या मेरी पुस्तक इतनी कम नहीं बिक सकती। एक पुस्तक जिसकी रचनाओं को आपने जिक्र किया, महानायक पढ़ रहे हैं, जिसकी रचनाओं को मेरे अग्रज तुल्य बड़े भाई आशुतोष राणा जी की आवाज में पढ़ रहे हैं उनके हाथ, उस किताब की लोकप्रियता जिसको साहित्य अकादमी मिल रहा है, जिसको पुष्किन सम्मान मिल रहा है, जिसे मैं खुद जगह जगह लेकर घूम रहा हूं, वो इतनी कम कैसे बिक सकती है। तो मुझे लगा कि इसको विवाद बनाने से अच्छा ये है कि जब पेंगुइन पब्लिकेशन ने मुझसे मेरी नई पुस्तक मांगी तो मैंने एक विनम्रतापूर्वक शर्त रखी कि सर ऐसा कीजिए कि आप मेरी नई पुस्तक तो छापिए ही छापिए, इस आमीन को भी जो है एक नए कलेवर में आप प्रकाशित कर दीजिए तो बड़ा आपका उपकार होगा। पर आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, ये सब मैं आपको आभार सहित कह रहा हूं कि जैसे ही पेंगुइन ने आमीन का ये संस्करण प्रकाशित किया, मात्र 1.5 महीने में, 1.5 महीने या 1 महीने में लगभग 1,500 से ज्यादा प्रतियां बिक गई, और ये किसी भी ऐसी पुस्तक के लिए बहुत आश्चर्यजनक आंकड़ा है जो 15 साल पुरानी पुस्तक थी और जिसकी अपनी एक पाठक, जिसका अपना एक पाठक समाज बन चुका था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 महीने में जब एक प्रकाशक हिंदी का 1,500 प्रतियां बेच सकता है, निकाल सकता है, तो एक वो प्रकाशक जो जिसको इस कविता पुस्तक के प्रकाशक के रूप में जाना जाता है, तो वो कैसे नहीं हुआ। तो मेरी लिट चौक के इस प्लेटफॉर्म की के माध्यम से हिंदी के समस्त प्रकाशकों से ये विनती है कि भैया हम लोग भी बिकते हैं, हम तो ये मत बोलो कि तुम लोग बिकते नहीं हो, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत शालीन लोग हैं,
हिंदी के लोग बहुत शालीन होते हैं, बहुत सुसंस्कृत होते हैं, वो विवाद में विश्वास नहीं रखते, वो संवाद में विश्वास रखते हैं। तो हमने संवाद स्थापित किया और फिर जहां लगा हमको बतौर बकौल साहिर कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, तो हमने फिर एक खूबसूरत मोड़ दिया विवेक भाई और उसको छोड़ दिया। आप सबकी सूचनार्थ ये किताब चौक के जो बुक स्टॉल है वहाँ पे लगे हुए, आलोक भैया भी हैं हमारे साथ, शाम तक बने रहेंगे, जिनकी सो को भी चाहिए होगा आलोक भैया का ऑटोग्राफ के साथ वहाँ ले सकते हैं। अभी आलोक भैया जब मेरे सवाल के जवाब में जिक्र कर रहे थे तो आशुतोष जी का जिक्र आया और सत्र के का समय भी हो चला है, इशारा मिल रहा है मुझे। तो एक मैं खुद के भक्त हूँ और बाबा तो महाकाल के भक्त हैं, और जो शिव तांडव स्त्रोत का जो ये नया अवतार आया है आलोक श्रीवास्तव की लेखनी से, उसकी कहानी आप लोग सुनिए। मैं तो साक्षात भैया के साथ बैठ के सुन चुका हूँ कैसे उस श्लोक ने जन्म लिया आशुतोष भाई की जिद पर, और उसके बाद भैया के मुंह से आखिर में उनके हम श्लोक सुनना चाहेंगे, तो रोंगटे खड़े करता है भैया। कभी कभी ये होता है कि जीवन में आप जिस मार्ग पर चलते हैं आपको पता नहीं होता कि आपके लिए क्या मार्ग सुनिश्चित है। इसकी कहानी, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं चाहता हूं कि बस इसकी छोटी सी आपको कथा सुनाऊं कि एक पोयम थी जो कोविड के दौरान मैंने कही थी, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। पर्ची में ये लिखा हुआ आया है कि आपको 15 मिनट का समय और दिया गया है। इनकी दृष्टि ना, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन। ये आप ऑफिस में अक्सर फील करते होंगे, आपसे अयोग्य व्यक्ति आपके आगे निकल जाता है, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है, विचारशील मुग्ध है कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध है कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, और दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है, दिलों में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, असत्य सात और सत्य एकमात्र है, असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और इसका अंतिम शेर जो मैंने सुनाया था अपने नौजवान दोस्तों की नजर, कि कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। तो जब मैंने ये गजल सोशल मीडिया पे डाली तो आशुतोष राणा जी का फोन आया कि आलोक मैं इस कविता का पाठ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट ये कि जैसे ही ये पोयम सोशल मीडिया पे आई ये मिलियंस और बिलियंस में वायरल हो गई। तो जब कुछ दिन बाद आशु भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि आलोक मेरे मन में एक विचार है कि जो शिव तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लाम्बिकाम भुजंग तुंग मालिकाम, मैं चाहता हूं तुम इसका हिंदी अनुवाद करो। तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा एक तो शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा विरचित इतना अद्भुत
और उसको समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा का काम है। मैं इसको करूंगा कैसे? खैर, दो तीन माह बीत गए। एक दिन मुझे याद है, सोमवार का दिन था और दोपहर में उनका कॉल आया कि छोटे भाई हो गया। तो मैंने कहा जी चल रहा है। तो मैं चूंकि स्वयं देवादिदेव महादेव का भक्त हूं, मुझे बड़ी आत्मग्लानी हुई। और आत्मग्लानी ये हुई कि सोमवार का दिन है और मैं शिव के कार्य के लिए, मतलब भगवान आशुतोष का कार्य करना है, बड़े भाई आशुतोष का आदेश है और मैं आलोकित नहीं हो पा रहा हूं। तो खैर, 8 बजे रात मैं बैठा और मेरी पत्नी नीतू मेरे साथ बैठी और रात 2 बजे तक उधर फोन पर आशु भैया और रेणुका भाभी वो और मेरे से श्लोक होते जा रहे थे। देवादिदेव महादेव की कृपा थी और वो श्लोक होते जा रहे थे, मैं उन्हें सुनाता जा रहा था और बस उसके बाद जो शिव तांडव आया वो आप सबके सामने है। तो अगर आप आदेशित करें तो मैं कुछ उसके। राजेश भाई सुनिए सुनिए, अद्भुत है। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सच रहा है हार विश्व भुजंग का, दमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, दमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव, तरल अनल गगन। अब देखिए, ऐसे जो कार्य होते हैं जो देव खुद कराते हैं वो उन्हीं के आदेश से होते हैं। एक इसमें श्लोक है, उसका अनुवाद हुआ कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर। इसका काफिया मुझे नहीं मिल रहा था राजेश भैया कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, लीन शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। एक होता है हमारे राइटर्स, तो उससे अक्सर जूझते होंगे, राइटर ब्लॉक होता है। तो मैं डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि राइटर ब्लॉक आ जाए और मैं लिखना मेरा अवरुद्ध हो जाए। तो मैंने एक शब्द लगा दिया वहां, प्रलीन। और मैं आपसे महादेव को साक्षी मान के कहता हूं, मैंने अपनी 50 वर्ष की आयु में प्रलीन शब्द राजेश भैया कभी नहीं सुना था। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब आपकी आकाश भर तालियां मुझे इस बात के लिए चाहिए होगी कि जब मैंने विद्वानों को बताया कि ये प्रलीन शब्द मैंने अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया है, तो उनका उत्तर ये था कि बेटा तुमने ये जो प्रलीन शब्द इस्तेमाल किया है यहां इसी शब्द की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रलीन का अर्थ होता है आकंठ, डूबा हुआ। एक ऐसा शब्द अचेतन में आया, चेतन में आया और वो इस्तेमाल हो गया। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, के नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। अब 17-18 श्लोक पूर्ण हो गए राजेश भैया, तो मैंने आशु भैया से कहा कि आशु भैया आप क्या परिभाषा लेते हैं शिव की। तो जो परिभाषा उन्होंने मुझे बताई वो परिभाषा एक अतिरिक्त छंद का रूप में अवतरित हुई, और वो अगर आप आज्ञा दें तो मैं खड़े होकर आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तो अब शिव क्या है? वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं।
विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। गौतम ने अगर रख दिया तो गौतमेश्वर हो जाएंगे, पीपल में अगर आप रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे, राम ने समंदर किनारे रख दिया तो रामेश्वर हो गए, आलोक अगर रख देंगे तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं, वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे, जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सच रहा है हार विश्वजंग का, टमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। दरअसल इस श्लोक के बाद ही मैं समापन करना चाह रहा था। भैया आपका एक बहुत बड़ा फैन बैठा हुआ है यहाँ पे, उसने आपके शेर जो ऑलरेडी नारा बन चुका है जो शेर, वो स्केच बना के लाया, कब पूछा ये यहीं पे अपना नवयुवक बैठा हुआ है, उसने स्केच बनाया भी, अभी कैलीग्राफी करता है, और भैया जो मशहूर हो चुके वो है कि मैं जोरदार सत्यम सत्यम के लिए ताली, सत्यम सम्राट आचार्य उनकी कैलीग्राफी के आप स्टॉल वहां पे बने, सत्यम सम्राट और आचार्य तीनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मेरे बहुत सारे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, तो इसके कुछ शेर में अंत में उनके उनकी नजर कर दूं, अगला सत्र शुरू हो उसके पहले। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, और ये नए जमाने के जो नौजवान हैं ये बहुत सोच समझ के इश्क करते हैं, हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, मुझे पता था तुम्हें यही सुनना है। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं जरूर मगर इस कदर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, बस बस तुझे उस नजर से देखा है। हाँ देखिए फोन निकल आया, व्हाट्सएप कर देगा ये झट से। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक भैया हमारे साथ है, जैसा कि मैंने बताया पेंगुइन से आई हुई किताब और लिट चौक का जो पुस्तकों का स्टॉल है वहां पर उपलब्ध है, और जिन किसी को भी लेनी हो और तो भैया का ऑटोग्राफ के साथ, और शुक्रिया आप सबका भैया। वो गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो आज अगर गालिब होते तो कहते ये शेर मैं वापस लेता हूं, बीच में पुलिस ने रोक लिया। जी भैया एक सवाल था मेरा कि ये माइक बहुत अच्छा है गौतम, तुम्हारे पास था ये? कमाल है, मतलब बात मुझे करनी थी, माइक इन्होंने अच्छा लिया हुआ था। जी मेरा सवाल था कि आप एक जर्नलिस्ट भी थे हैं, और
और साथ में शायरी भी, तो दोनों को मैनेज करना कैसे साथ हो पाता है? क्योंकि जर्नलिज्म ये बिल्कुल वैसा सवाल है कि जैसे शादीशुदा आदमी से ये पूछा जाए कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे मैनेज करते हैं। बस दोनों को मिलवाना मत कभी। लेकिन आपकी फील्ड आपको ये टाइम नहीं देती ना कि आप लिख पाए, पढ़ पाए, या फिर ऐसा नहीं है अपार्ट ऑफ ऑल दिस। देखिए, मैं बहुत ही इस बात को लेके बहुत ही कहना चाहिए कि मैं हामी हूं इस बात का कि हमारा जो जर्नलिज्म है वो अगर उसको आप इसकी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे जो लेखक हुए हमारे हिंदी साहित्य में, उर्दू अदब में जो शायर हुए, फिर आप साहब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, हमारे यहाँ पढ़ना जो है वो जिन दो विधाओं में एक सा है। और एक और बहुत खास चीज जो मैं महसूस करता हूँ, यहाँ बहुत सारे विद्वत जन बैठे हैं वो इस बात से सहमत होंगे, एक चीज है जो पत्रकारिता को और लेखन को जोड़ती है और वो है सामाजिक सरोकार। अगर आपके सरोकार जागृत नहीं है, अगर आप कॉन्शियसली अलर्ट नहीं है, आपको नहीं दिख रहा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो ना आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, ना बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। एक सामान्य तौर पर आप जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे की श्रेणी में कभी नहीं आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की, तो मैं तो अब ये भी नहीं याद रखता कि मैंने कविता कहना पहले शुरू किया था या मैंने पत्रकारिता, क्योंकि दोनों में जो एक साम्य है वो है सामाजिक सरोकार का, आपकी जिम्मेदारी का। और जो आप लिख रहे हैं बहैसियत पत्रकार, सहाफी, जर्नलिस्ट, और जो आप रच रहे हैं बहैसियत गीतकार, कवि, शायर, लेखक, उन दोनों में आपकी दृष्टि होना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे कभी भी ये दोनों पेशे कहिए। और एक अंतिम में एक बात जरूर मैं कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, जब आपका पेशा आपका पैशन बन जाए तो जो आनंद आता है ना, वो आनंद फिर गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं आता। तो अपने पेशे को अपना पैशन बनाइए। आपका जो पैशन है वो अगर आपका पेशा होगा तो आपको कभी भी कोई भी दुविधा नहीं होगी। मेरे साथ यही हुआ है। थैंक यू भैया। और कोई सवाल है? इधर भाई साहब। आपको, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका जन्म स्थान यहाँ शाजापुर ही रहा है, और मुझे आपको अभी तक सुनते हुए करीब करीब एक साल हुआ है, लेकिन मैं ट्विटर पे सुनता था आपको। इससे ज्यादा मत बताइए वरना मेरी उम्र पता चल जाएगी। नहीं, ट्विटर पे सुनता था, साथ साथ में मैं आपके मित्र आशुतोष राणा जी को भी खूब सुनता हूँ, और वो जो शिवा, जो शिव स्त्रोत तांडव जो आपने अभी बतलाया गा के, वो अभी तक तब मैंने सर आशुतोष राणा जी के थ्रू ही सुना था। आपके मुंह से सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और भले उसके अर्थ मुझे भी नहीं बता हो। और दूसरा मैं एक बात आपसे, मेरा प्रश्न रहेगा कि जो आप हिंदी साहित्य की बात करते हैं, या हिंदी साहित्य का दायरा जो है सिर्फ हिंदी भाषी प्रदेशों में है, आप अगर भारत के कहीं दूसरे भागों में जाएंगे तो शायद हिंदी नाम सुनना भी नहीं चाहते हैं लोग, तो आप उसके प्रति क्या विचार रखते हैं सर? हम उन्हें सुनाना भी नहीं चाहते। देखिए, ऐसा है, उसी व्यक्ति तक जाइए जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी इज्जत करता है, उस व्यक्ति तक क्या जाना, मतलब हम उसको क्यों मनाएं? हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, हम अगर हमको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हमें ये हमारा ईगो नहीं होना चाहिए कि हम उससे ये कहें कि तू हमें एक्सेप्ट कर। अगर वो नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी अपनी टेरिटरी है, वो अपनी टेरिटरी में खुश रहे, उसका अपना क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र में खुश रहे। मसला जो है वो खुश रहने का है, रचनात्मक रहने का है, सकारात्मक रहने का है। वो अपनी जगह पर ठीक है, आप अपनी जगह पर ठीक है। सर, आपका शिव तांडव स्त्रोत जो हिंदी वर्जन है वो मैं डेली सुनती हूँ, और जो मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो उसे लगा के आशुतोष राणा जी की आवाज में, और वहाँ पे एक शिवलिंग रखा हुआ है, तो मेरे लिए वो मेडिटेशन का सबसे बहुत अच्छा तरीका होता है। मैं आपका शिव तांडव स्त्रोत लगाती हूँ, वॉक करती हूँ, और वो शिव जी की जो मूर्ति है वो देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान से बिल्कुल कनेक्टेड हूँ। तो उसके लिए मैं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो संस्कृत में इसका डेली पाठ करते थे,
बट हम लोगों को बोलते थे, हमें समझ नहीं आता था, हम बैठ के उठ भग जाते थे पीछे, वो डांटते भी थे कि बच्चे सुनो, बट हम ध्यान नहीं दे पाते थे। पर आपने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके जो एक युवा पीढ़ियों के लिए आसानी करी है उसे समझना, और उसके थ्रू हम भगवान से जो कनेक्शन कर पा रहे हैं वो अमूल्य है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, पहले तो मैं उसका श्रेय कतई नहीं लेता, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो देवादिदेव महादेव आशुतोष का कार्य था, जिसके निमित्त भी आशुतोष बने और इसी वजह से वो आलोकित हुआ। तो और एक खुशखबरी मैं आप सबसे आज इस चौक के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दूं, कल हम लोग महाकाल गए थे और जब मैं वहां जाकर बैठा तो वो पुजारी जी, चूंकि इस संबंध में मुझे जानते हैं, वो मुझ तक आए और उन्होंने कल एक बहुत बड़ा ही अद्भुत प्रसाद दिया हमको। उन्होंने ये कहा कि हम रोज सुबह भस्म आरती करते हैं, लेकिन उस भस्म आरती की तैयारी में लगभग 10-15 मिनट लगते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा भजन महादेव का या कोई ऐसी स्तुति नहीं है जो हम यहाँ जन सामान्य को सुना सके। तो क्या आप इस बात की हमें आज्ञा देंगे कि भस्म आरती की तैयारी के समय हम प्रतिदिन हिंदी का शिव तांडव स्तोत्र महाकालेश्वर में प्ले कर सकें? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये आदेश का नहीं, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि जब देवादिदेव महादेव का जो शिवलोक है वो लोकार्पित हो रहा था, तो जिस तरह आपने दिन भर शिव तांडव स्तोत्र हिंदी वाला चलाया आशु भैया की स्वर कंठ में, उसी तरह अब रोज आप जो है भस्म आरती की तैयारी के समय शिव तांडव स्तोत्र जो है वो हिंदी में सुनेंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ और महादेव का बहुत आभारी हूँ और आप सबके प्रेम का आभारी हूँ जिसने उस शिव तांडव स्तोत्र को यहाँ तक पहुँचाया। नमस्ते सर, मेरा नाम अंतक श्रीवास्तव है और सर मैं भी एक कवि हूँ सर, मैंने अभी इसी वर्ष के मंचों पर आना प्रारंभ किया है। मैं सर एक छोटा सा सवाल था सर, एक कवियों के एक आप हिंदी काव्य के बड़ा नाम है आप सर, एक छोटा सा सवाल ये था सर कि हिंदी मंचों पर सर जो नई पीढ़ी की नई लेखनी आ रही है मंचों पर सर, उसके लिए जो मंचों पर राजनीति चल रही है सर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई बड़े कवि ये नहीं चाहते कि मंचों पर नई लेखनी आए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे गुरुदेव है डॉक्टर बशीर बद्र साहब, उनका एक शेर है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इस सबसे कुछ नहीं होता अनुज, आप ये समझिए कि अगर आपकी मुखालफत हो रही है तो समझिए कि आपकी शख्सियत संवर रही है। शेर फिर सुन लीजिए कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो अगर आपकी मुखालफत हो रही है, अगर आपका विरोध हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि आप में कहीं ना कहीं कोई स्पार्क है, और अगर आप उस स्पार्क को झेल कर निकल सकते हैं तो फिर तो आसमान आपका है, सितारे आपके हैं। हेलो जी, प्रणाम करता हूँ आपको, जय श्री मानता जी। अभी मेरी आपसे याद 2 घंटे पहले बात हुई थी, हम सब में राम है, आप में, हम में, हम सब में राम है, लेकिन फिर भी ये विवाद की स्थिति क्यों पैदा होती है? राम सब में है, हर एक इंसान में राम है, अल्लाह है, खुदा है, वाहेगुरु है, लेकिन हम आपस में क्यों लड़ते हैं? तो खून भी सबका लाल है। मेरे ख्याल से आप धर्म पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम जो है ना, वो राम सबके राम है, वो राम इकबाल के भी राम है, वो आप करतार के भी राम है, वो आलोक के भी राम है। मैं इसको थोड़ा सा बस संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ राम ही नहीं, धर्म में जब जब राजनीति प्रविष्ट होगी, धर्म जब जब राजनीति से जुड़ेगा, विवाद की स्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि किसी भी तौर पर धर्म से आगे कुछ नहीं, और धर्म का अर्थ जो है वो धर्म का अर्थ संकुचन नहीं है, महदूद नहीं है, सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ ही यह है कि आप अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म को भी धर्म परायण तरीके से उसकी पूरी धार्मिक आस्थाओं के साथ स्वीकार करें। आपको कोई ये नहीं कहने जा रहा है, आपको कोई ये नहीं कहने जा रहा है, कोई दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है। अगर वो कहता है तो वो गलत कहता है।
वो कोई भी धर्म हो, और जब जब धर्म राजनीति में या राजनीति धर्म में प्रविष्ट होती है वो स्थितियां पैदा होती हैं जो आपके मन में इस प्रश्न का उद्घाटन जिस स्थिति ने किया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म को अगर आप सिर्फ धर्म रखेंगे तो कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी, बस धर्म सिर्फ धर्म होना चाहिए, धर्म का धर्म ही धर्म है। आखिरी सवाल उधर ले गए भाई। सर प्रणाम आपको, आप हिंदी साहित्य के ऋषि हैं, मैं आपके चरणों में वंदन करना चाहता हूं। और एक छोटा सा प्रश्न है, आप इंदौर में आए हैं, इंदौर में आपका स्वागत है और इंदौर साहित्य का गढ़ है, यहाँ पर नए बच्चे आए हुए हैं, मेरे ग्रुप के भी लोग हैं, हम नए बच्चों में एक अक्सर ये बीमारी पता नहीं कहाँ से लगी है कि चार पंक्तियां लिखते हैं और उसकी खुमारी तीन चार दिन तक रहती है, तो इस पर आप क्या नसीहत देके जाएंगे? धन्यवाद। इस पर यही कहूंगा कि रियल पोएट्री करो, रील की पोएट्री मत करो। धन्यवाद आप सबका। मैं आलोक भैया को अब लेके जा रहा हूँ, वापस नहीं रहेंगे।